तस्लीम मदर, तुझे मुबारक हो बेटा। तुम्हारे बाप और भाई ईद की बधाई देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलो। तुझे ईद मुबारक हो बेटा। अब्बा हुजूर, अम्मी हुजूर और बरादरान मुहतरम हर साल ये तकलीफ फरमाती हैं। शुक्रिया। जीती रहो बेटा। खजाने हैं दौलत के पैमाने हैं, जुल्फे रातों की जवानी मेरे सपनों की रानी, रूही रूही। मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं, आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं, जुल्फे रातों की जवानी, जुल्फे रातों की जवानी, सपनों की रानी। माथे पे चांद चर आए, होंठों पे भंवरा मंडनाए, माथे पे चांद उतर आए, होंठों पे भंवरा मंडनाए, मुखड़ा फूलों की कहानी, मुखड़ा फूलों की कहानी, सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। सांचे में ढली है हर दिल के, हाँ पलटे नाने कहे फिर मिलते, सांचे में ढली है हर दिल के, हाँ पलटे नाने कहे फिर मिलते, पत्थर का जिगर हो पानी, पत्थर का जिगर हो पानी, सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। चुप हो तो उदासी डसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है, चुप हो तो उदासी डसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है, बोले तो फिजा नूरानी, बोले तो फिजा नूरानी, सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। मासूम बच्ची की बदनामी हो रही है, राजपूती आन का गला घोटा जा रहा है, और हम है कि खामोश बैठे हैं। तो फिर इस बदनामी से बचने के लिए आपने क्या सोचा है? अब जिस कदर जल्द हो सके रूही की शादी कर दी जाए। शादी? रूही की शादी? Thank you.
वाला सिंह, हमें बताया गया है कि तुम अमनो अमान की जिंदगी से उकताकर अपनी हवेली को कत्ल खून का मरकज बना रहे हो। अगर ये सच है तो माँ बदौलत इस बदमनी का सबब पूछते हैं। इसका सबब गुलारा हुआ एक कौल है जहां बना, वो कौल जो ज्वाला सिंह ने अपने मरहूम दोस्त मिर्जा दिलावर बेग की इकलौती बेटी रूही की हिफाजत के लिए दे रखा था। रूही? तो क्या ये वही रूही है जो एक शायर के गीत बन बनकर हिंदुस्तान के हर नौजवान के दिल में धड़कन पैदा कर रही है? जहां पना और उसी दीवाने शायर सुहेल के सबब मेरे पांचों बेटे अपनी मुंह बोली बहन को सुहागन बनाने के लिए सबके उतर गए। मगर हमें समझाओ कि तुम्हारी हद दर्जा हिफाजत के बावजूद भी रूही सारे हिंदुस्तान की दिलचस्पी का सबब कैसे बन गई? क्या तुमने उसे पर्दे में नहीं रखा? रूही मेरे धर्म की लाज और माथे का तिलक है क़िबले आलम। वो जूं जूं जवान होती गई, मैं अपने घर की दीवारों को बुलंद करता गया, और मेरे बस में होता तो उन दीवारों को आसमान से जा मिलाता। मगर इस पर भी न जाने क्यों कर उस बदलगाम सुहेल ने रूही को देख लिया और उसे बदनाम कर दिया, बहुत महंगा कर दिया रूही को हमारे लिए। अगर रूही आलिम शबाब में पहुंच गई थी तो तुमने उसकी शादी किसी मुनासिब जगह क्यों ना कर दी? गुलाम ने जब कभी रूही को ब्याहने का इंतजाम किया, लोग हुजूम दर हुजूम होकर बारात पर टूट पड़े, और उसकी हिफाजत में हर बार मुझे अपने एक बेटे की कुर्बानी देनी पड़ी। क्या वो इस दर्जा हसीन है कि हर दिल में उसकी आरजू और हर सर में उसका सौदा समा गया है? इजाजत हो आलीजा के ज्वाला सिंह खामोश रहे, क्योंकि इस तरह रूही के हुस्न का तस्करा मेरी जबान पर आ जाएगा, और एक गैरतमंद बाप को किसी तरह नहीं जचता कि वो अपनी बेटी की खूबसूरती बयान करे। फिर मैंने भी सिर्फ चांदनी महसूस की है, चांद को आज तक नहीं देखा। क्या मतलब? जहां पना पुजारी लक्ष्मी के चरणों में सर झुकाते समय चेहरे पर नजर नहीं डालता, रूही जूं जूं जवान होती गई, मैंने भी उसे पैरों से ऊपर कभी निगाह उठाकर नहीं देखा। ऐ राजपूत, तुम्हें साहिब करां का सलाम पहुंचे। मुबारक हो हिंदुस्तान को और उस कौम को जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ। क्या ठिकाना है इस पाकीजगी और अजमत का। माँ बदौलत तुम जैसे जानिसार को मसाहिब खास बनने का शर्त बख्शते हैं और तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए भी गौर फरमाने का वादा करते हैं। जाफिजा, आज जो तुमने गीत सुनाया वो सिर्फ शायरी है या हकीकत? हकीकत है मलका आलम। रूही और सुहेल के इश्क के चर्चे तो घर घर में हो रहे हैं, और ये मशहूर है कि रूही के पास नहायत खतरनाक हुस्न है। और ये सुहेल कौन है? एक शायर जिसके रस भरे गीतों ने उसे इतनी शोहरत दी है कि आज रूही का हुस्न हर नौजवान के दिल की धड़कन बन गया है। दौलत बना, अजमत बना, आली जा, बाला जा, जिल्लल्ला, सुल्तान इब्ने सुल्तान, सुल्तान अबू मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद, बादशाह गाजी, शहंशाह हिंदुस्तान, साहिब करान। तस्लीम ताजा रही। तस्लीम बानो रहीम। ताजदार हिंद आज कुछ परेशान नजर आते हैं। मुमताज, आज हमने एक बदनसीब हसीना की दर्द भरी कहानी सुनी है। क्या हसीन होना जुर्म है, गुनाह है? कौन कहता है सरताज? सूरत और सीरत तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, मगर ये नेमत एक शरीफ घराने की तबाही का सबब बन गई है। पांच पांच मुंह बोले भाइयों के कुर्बान हो जाने पर भी सरदार ज्वाला सिंह की बेटी रूही आज तक कुंवारी। क्या ये वही रूही है
जिसके हुस्न के चर्चे एक दीवाने शायर के गीत बन बनकर फिजा में गूंज रहे हैं। हाँ, ये वही दोशीजा है। कहा जाता है कि उसका हुस्न बेपनाह और मशहूर है कि उसका चेहरा हुरान बहिश से ज्यादा मुनव्वर और पाकीजा है। और जब कभी उसका बाप उसकी शादी का इंतजाम करता है, रूही के तलबगार लाखों की तादाद में जमा होकर बारात पर हमला कर देते हैं। कुछ तो खून होता है और शादी रुक जाती है। बेचारी मुमताज, इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करो। हमारी राय है कि हजूर सुल्तान रूह को अपनी हिफाजत में ले लें और किसी मुनासिब जगह उसकी शादी का इंतजाम फरमाएं। फिर किसमें इतना हौसला होगा कि जिल्ले सुभाने की मर्जी से बगावत करें। मुमताज, तुम बेहतरीन बीवी भी हो और बेहतरीन सलाहकार भी। हम तुम्हारी राय से इत्तफाक करते हैं। रूही को किला मोहल्ला में बुलवा लिया जाए। आलिशान मलिका, वो आफत यहाँ न बुलवाई जाए। वो लड़की अगर इस दर्जा हसीन है तो क्या? तो फिर मलका आलिया बेहतर जानती है कि दुनिया में कोई चीज इतनी जल्द बदल जाने वाली नहीं जितनी मर्द की नजर, और कोई शय इतनी बेकरार नहीं जितनी मर्द की पसंद, और कोई बात इतनी कमजोर नहीं जितनी मर्द की राय औरत के मामले में। तो फिर वो होशरुबा नाजनी कहीं आए बानो हिंद आपके और साहिब करा के दरमियान न खड़ी हो जाए। खुदा न करे कोई हुजूर सुल्तान की नजरों को बदल दे और मलका आलिया के करार में गम के कांटे चुभ जाएं। लौंडी कुर्बान जाए बानो हिंद, ये खतरनाक मशवरा वापस ले लीजिए। गुस्ताख कनीज, गोया तूने ये कहा कि हिंदुस्तान के जलीलुल कद्र बादशाह की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी निगाहें बेईमान हो सकती हैं और उसके मर्तबे में झोल पड़ सकता है। गोया तूने ये इतराज किया है कि रियाया की इज्जत और आबरू का निगेबान पाकीजा दिल और दिमाग नहीं रखता। तूने खुले तौर पर बादशाह की शान पर हमला किया है और गुस्ताखी की है, और तूने कहा है कि शहंशाह हिंदुस्तान का मिजाज छिछोरा है। तूने मुमताज उज़्ज़मानी और शाहजहां की गैर फानी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है और समझ लिया है कि मुमताज उज़्ज़मानी एक मामूली चीज है। अब वो लड़की इस महल में जरूर बुलवाई जाएगी। ये जवानी, ये हुस्न, ये अंदाज, अल्लाह खैर करे। की एक बात सुन लीजिए, रूही सचमुच बला की हसीन है। वो एक नूर है, वो एक शोला है, वो एक बिजली है, वो एक कायमत है सरासर। वो इस महल में जलजले जगाने आई है। लौंडी कुर्बान जाए बानो हिंद, इस सांस लेते हुए अंदेशे को महल से बाहर निकाल दीजिए। दो मशाताओं को कि वो उसे इस दर्जा संवारे, इस कदर सजाए कि फरिश्ते भी आसमानों से झांकने लगे। मलका आलम, और अब तुम जा सकती हो। गम भी ये मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। हाय हाय ये जालिम जमाना, दे उठे दाग लो उनसे ऐ माहे नो कह सुनाना। हाय हाय ये जालिम जमाना। दिल के हाथों से दाम छुड़ा कर, हम की नजरों से नजरें बचा कर। दिल के हाथों से दाम छुड़ा कर, हम की नजरों से नजरें बचा कर। उठ के वो चल दिए, कहते ही रह गए हम फसाना।
हाय हाय ये जालिम ज़माना। कोई मेरी ये रुदाद देखे ये मोहब्बत की बेदाद देखे, कोई मेरी ये रुदाद देखे ये मोहब्बत की बेदाद देखे, फूक रहा है जिगर पर रहा है मगर मुस्कुराना, हाय हाय ये ज़ालिम ज़माना। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये ज़ालिम ज़माना। बाजी मलिका मेरी अच्छी बाजी, जानबूझकर खतरे ना बढ़ा, भले चंगी तकदीर को बिगड़ने का मौका ना दो। रूही का गुस्ताख हुस्न हुजूर साहब पर आके इत्मीनान में खलल डाल देगा, मोहब्बत की दुनिया में तूफान आ जाएगा। निकाल दो इस खतरनाक दोशीजा को महल से, निकाल दो बाजी। मेरी भोली बहन, शीरा अजीज हमें ये जानकर ताज्जुब हुआ है कि हमारी खुशनसीब बहन हुजूर साहिब कुरान के इस्तकलाल का इम्तिहान चाहती है। इरादे से बाज आ जाओ अजीजा। बाजी मलिका बाज आ जाओ। मुमताज मेरी लाडली बच्ची, ये हम क्यों सुन रहे हैं कि तुम मियस्सर इत्मीनानों से उकता गई हो? भी ये किस्मत पर खुदा का शुक्र बजा लाओ अजीजा, तुम ताजदार हिंद की राहत में खलल डाल दोगी एक दूशीजा की हिमायत से। तो बिरादरे मोहतरम, गोया सभी का ये ख्याल है कि रूही को देखकर साहब करां की नजरें बहक जाएंगी और शाहजहां की मुमताज से मशहूर वफादारी एक मुसलसल फरेब है। खुदा न करे ये फरेब, और अगर नसीब दुश्मना फरेब हो भी तो बाज फरेब है जाने बिरादर, दिल फरेब होते हैं। तो फिर मुमताज गम खाने के लिए तैयार है, फरेब खाने के लिए तैयार नहीं। मलका आलिया, रूही पन सवर कर नूर के सांचे में ढल गई है, अब वो एक तड़पती हुई बिजली है जो किसी के खिरमने हयात पर गिरा चाहती है। हम मुलाहजा फरमाएंगे। मुमताज मुमताज बाजी, सचमुच सरापा नूर हो, राहत हुई तुम्हें देखकर। कनी सादा बजा लाती। आओ मेरे साथ। जिल्ले सुभाने के इस्तकबाल के लिए तुम्हें यहीं ठहरना होगा। आखिर ऐसा खतरनाक इम्तहान क्यों है बाजी मलिका? देखना चाहती है मुमताज जमाने कि आज कोई अजूबा कोई मौजूजा मुमताज की तरफ बढ़ते हुए सहित करा के कदमों को डगमगा सकता है या नहीं। खुदा न करे, मगर बेटा फिर भी वो इंसान ही का कदम है, शायद डगमगा जाए तो फिर वो साहिब करां का डगमगाया हुआ कद जमीन पर नहीं मुमताज की गर्दन पर पड़ेगा। शौकत पना, दौलत पना, अजमत पना, सुल्तान इब्ने सुल्तान, सुल्तान सुल्तान अब्दुर्रहमान मोहम्मद, बाप शाह काजी, बहन शाह सुल्तान। इलाही खैर बाजी मलिका, लिल्ला बाज आ जाओ। नहीं, अब सितारों को टकराने दो,
आज हम इसी पर मचल गए। खैर हो यार। माली के दो जहां किब्रियाई के सत्कर लीला कोई संभाले। मुमताज जमानी, मुमताज। तस्लीम बाई बारहिन। तस्लीम बानवहिन, हम घबरा गए थे अपनी मुमताज को निगाहों से ओझल देख। मुबारक 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 मुबारक। ये शोरे मुबारक कैसा? इसलिए कि सेहत करा के पाए मुबारक आखिर जमीन ही पर पड़े, मुमताज की गर्दन पर नहीं। समझे नहीं? आज एक बेहद हसीन दोशीजा शाहजहां मुमताज के दरमियान खड़ी कर दी गई थी। सबका ख्याल था कि उसे देखते ही सहब करा के कदम डगमगा जाएंगे, लेकिन मुमताज का ईमान था कि चाहे मुकाबले में हूर उतर आए, शाहजहां की बदही रफ्तार में से कोई कदम ऊंचा नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मुमताज का शाहजहां की पाकबाजी पर ईमान है तो इम्तिहान कैसा? मकसूद ये था कि लोग भी देखें और यकीन करें कि मुमताज का ईमान किस दर्जा मजबूत है। रूही मुजरे को पेश हो। कनी साहब करा के हुजूर में मुझे अर्ज करती है। सलामत बाश। माशाल्लाह लड़की, तू वाकई खूबसूरती का एक शाहकार है। मसर्रत हुई तुझे देखकर, कुछ तलब कर। कनी सिर्फ वापस जाने की इजाजत चाहती है। वजह? ये हकीर लौंडी जिस खिदमत के लिए बुलाई गई थी वो तो अंजाम पा चुकी। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इस नाचीज की जिल्लत से आज मलिका आलिया की शान दुबाला हो गई। अजीजा तुम्हें धोखा हुआ है। यकीन करो कि यहाँ औरतों का बांकपन नहीं परखा जाता, बल्कि साबित ये करना था कि वो शहनशाह जो रियाया की इज्जत व आबरू का निगेबान है उसके ख्यालात आवारा नहीं है। क्या तुम अपने बादशाह के इस्तकलाल से खुश नहीं? खुश हूं मलिका आलम, और अगर किसी वजह से तुम्हारी दिल शिकनी हुई है तो हमें अफसोस है। हम इसके सिले में अपनी वसी सल्तनत से चुनकर तुम्हें एक बेहतरीन शरीक हयात अता फरमाएंगे। आओ मेरे साथ। ये तुम्हारा महल है, ये खादमाएं तुम्हें किस्से और कहानियां सुनाएंगी, ये दिलकश नगमे सुनाएंगी, ये गुसल दिलाएंगी, ये सिंगार कराएंगी, ये रात को सुलाएंगी, और ये सुबह मीठे साथ बजाकर नींद से जगाएंगी, और ये हमारी खास कनीज जाफिजा, दूर अंदेश और समझदार जाफिजा, आज से हमसे भी तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर करते हैं। आलिशान मलिका, बंदी की सबा से इन इनायतों का शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया की जरूरत नहीं, ये तो हमारी मेहरबानियों की इब्तदा है। जनाब का नाम? अमीर अली ईसा बिन मर्दान शिराजी। वतन? ईरान। हिंदुस्तान में आने का सबब? शाही मुलाकात। शाही मुलाकात। रवानगी? कल सुबह। कल सुबह। आज रात आप यहीं आराम फरमाएंगे।
कोई और खिदमत? शख्स, हिंदुस्तान के अजायबात और मशहूर चीजें क्या हैं? कहते हैं पहले तो यहाँ कुतुब मीनार, अशोक की लाश, कौरव पांडव का किला, बनारस के घाट, लखनऊ की ककड़ियां, बरेली का सुरमा, हापड़ के पापड़ बहुत मशहूर थे। मगर कहते हैं कि अब तो सिर्फ एक चीज है जो बहुत मशहूर है। वो क्या? वो क्या? कहते हैं बरस 15 या 16 का सिन, जवानी की रातें मुरादों के दिन। क्या ये किसी दवा का नाम है? नहीं जनाब, ये तारीफ है रूही नामी फितने रोजगार की। रूही? क्या ये वही रूही है जिसके चर्चे हिंदुस्तान के सरहद से लेकर यहाँ तक सुनता रहा हूँ? बेशक, ये वही रूही है जिसके कयामत खेज हुस्न ने एक हश बपा कर रखा है नौजवानों के दिलों में। कहते हैं वो बला की हसीन है, उसके जलवे, उसका शबाब, उसकी मस्ती, कहते हैं दुहाई है दुहाई। ये बेशुमार अर्जियां रूही के तलबगारों ने सुल्तान मुअज्जम की खिदमत में गुजारी हैं। इन्हें पढ़कर मालूम होता है कि हर उम्मीदवार हुजूर साहिब करां की निगाह करम का मोहताज। रूही एक और तालिब लाखों, वो सिर्फ उस शख्स के हवाले की जाएगी जो उसके अहल होगा। ऐलान कर दिया जाए कि बरोज जुमा बाद नमाज मगरिब तमाम उम्मीदवार हाजिर हुजूर हों। जिल्ले सुभानी। की पना, ये मजमा, ये हुजूम, महल में गोया एक चिराग रोशन है और परवाने हैं कि उमड़े चले आते हैं। अब मैदान में तिल धरने की भी जगह नहीं रही, जैसे कि सारी दुनिया की आबादी अलबेली तेरे झरोके के नीचे सिमट आई है। जरा उठकर तो देख ले गुलबदन, दुनिया की मुश्ताक निगाहें तुझे एक झलक देखने के लिए बेताब हो रही है। सुल्तान अबू मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी शहंशाह हिंदुस्तान साहिब करान साहिब करान। लो, वो हुजूर सुल्तान के रूप में इन आशिकों की तकदीर चली। आज वक्त का सबसे बड़ा जौहरी इस अनमोल रतन का खरीदार ढूंढने निकला है। खुदा की पनाह, किस कदर हजूम है। बादब बामुलाहिजा होशियार ताजदार हिंद सुल्तान मुअज्जम हुजूर जिल्ले सुभानी साहिब करान सानी तुमसे मुखातिब होते हैं। शरीफो, रूही के लिए मुनासिब शोहर का इंतखाब करने से पहले माँ बदौलत ये जानना जरूरी समझते हैं कि उसके लिए सबसे ज्यादा आरजूमंद कौन है और किसके इश्क में बला की कशिश और ताकत है जो कुदरत के इस हसीन शाहकार के लिए एक ऐसी चीज, एक ऐसा माहौल, एक ऐसी फिजा, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी जन्नत मुहैया करे कि जिसमें रूही को खुशहाल देखकर हर शख्स बेख्तियार पुकार उठे, अगर फिरदौस बर रूए जमीन अस्त हमीन अस्तो हमीन अस्तो हमीन अस्त। जन्नत 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 जमीन पर जन्नत, ये इंसान के बस की बात नहीं। नामुमकिन है, नामुमकिन है, नहीं नामुमकिन। माज़ अल्लाह,
ये लोग किस गलत फहमी में मुब्तिला हो गए? वो मुकद्दस जन्नत भला कौन बना सकता है? दरअसल ये लोग जहां बना के इशारे को नहीं समझे। ना समझ है नादान है। इस इशारे से हमारा मकसद सिर्फ इम्तिहान है मुमताज, वरना हर मोहब्बत करने वाले का घर महबूब के लिए जन्नत है, हाँ वो शाहजहां का महल हो या फकीर का झोंपड़ा। नामुमकिन शर्त सुनकर वो पथरा कर रह गए हैं, गोया गम का पहाड़ टूट पड़ा है उन पर, दिल टूटे हुए, सीने बैठे हुए, कंधे झुके हुए, वो अपनी तमन्नाओं के जनाजे वापस लिए जा रहे हैं, सफ़ेद टूटी जा रही हैं, हुजूर कम होता जा रहा है, अब वो हजारों में सिर्फ चंद रह गए हैं। साहब करान वो मायूस हो गए हैं, उनमें कस बल नहीं, वो वापस जा रहे हैं, उनमें मोहब्बत नहीं। मैदान खाली हो गया, बदनसीब रूही। इस नामुमकिन शर्त का मतलब यह है रूही कि तू जमाने भर के दिलों से छीन ली जाए, क्योंकि ऐ खुशनसीब हसीना अब दुनिया का सबसे शानदार दिल तेरे लिए धड़कना चाहता है। तुझे मुबारक हो और गवाह रहना कि हिंदुस्तान की होने वाली मलका के कदमों में सबसे पहले जाफिजा अपना सर झुकाती है। जाफिजा, बेशक तू मलिका बनाई जाएगी, क्योंकि न जन्नत किसी से बन सकती है और न रूही किसी गैर की होकर महल से निकल सकती है। खामोश गुस्ताख कनी। वो आखिरी सफ में कौन रह गया है? क्या उसने हमारी शर्त नहीं सुनी? ऐ शख्स, क्या तुम शर्त पूरी करने का इरादा रखते हो? बेशक। इसे हमारे हुजूर में पेश किया जाए। जानिब से अपना तारुफ कराओ। आली जा, वो मेरे ही अल्फाज हैं जो रूही का हुस्न बनकर तमाम दुनिया में मशहूर है, और वो मेरी ही फरियाद है जो इश्क के गीतों में ढल ढल कर दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दे रही है। मैं ही इस किस्से का आगाज हूँ और मैं ही इस कहानी का अंजाम बनूंगा। मैंने ही सबसे पहले हुस्न की चौखट पर अपना सर झुकाया था, और आज मैं ही इश्क के घुमंड में रूही के लिए जन्नत बनाने का दावा करता हूँ। मेरा नाम सुहेल बिन अब्बास करमानी है। ऐ मोहब्बत के परस्तार, साहिब कना तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे इरादे की दाद देते हैं। तुम्हारा यह जज्बा इश्क यकीनन रूही की खातर वैसे ही जन्नत मुहैया कर सकता है जैसी कि हमारे तसव्वुर में है। हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। शुक्रिया बंदगान आली। गुलाम चांद और सितारे भी नोच कर ढेर कर सकता है रूही कदमों पर, मेरी बेपाया मोहब्बत अपना करिश्मा दिखाने के लिए बेताब है। बेहतर, इन जानिब तुम्हारा इंतजार करेंगे। आज से एक साल तक रूही हमारे पास तुम्हारी अमानत है, और इसके लिए हमारा वादा ही तुम्हारा गवाह है। लेकिन याद रहे कि एक साल के बाद अगर तुम अपने दावे को पूरा न कर सके तो फिर कोई उज्र कोई हीला बहाना तुम्हारे काम ना आएगा, और तुम हमारे गजब और इताब का निशाना बनोगे। बस जाओ और किस्मत आजमाई करो। शुक्रिया। आलिशान मलिका, साहिब कुरान के रुतबे की कसम, रूही की तकदीर बहुत जल्द गुस्ताख होकर बानवे हिंद के नसीब से टकरा जाने वाली है, और इस खौफनाक टक्कर से मेरी भोली मलिका जमीन और आसमान हिल जाएंगे। मैं आज यकीन से कह सकती हूँ कि साहिब कुरान के दिल में रूही के जुल्फों की स्याही फैल गई है, और उनकी ईमानदार तबीयत रूही के खतरनाक हुस्न की कायल हो चुकी है। मुगल तख्त का वारिस उस होशरुबा नाज़नी की मकनाती सी निगाहों में पूरी तरह उलझ गया है, और अब कोई दम में हिंदुस्तान का शानदार तख्त एक हकीर तख्ता बनकर उलटने वाला है। मैं वफादारी के जोश में बेअदब हो गई हूँ, इसलिए अब शौक से मेरा सीना चीर दिया जाए, क्योंकि मैं हुजूर सुल्तान को सिर्फ इंसान ही समझती हूँ, फरिश्ता नहीं। कमबख्त, ये कह के सूरज आसमान से टूटकर जमीन पर गिर पड़ा, ये कह के पथरीली चट्टानों में लोच आ गई, ये कह के बर्फ की सिले सुलग कर आग के शोले बन गईं, तो हम एक बार यकीन कर लेंगे, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं कि मुमताज जमाने को इस पर एतबार आ जाए कि हजूर साहब करा के इस तकलाल में जुम्बश आ गई। चली जा ओ गुस्ताख कनीस, एक बार फिर हमने तेरा कसूर माफ किया, क्योंकि हम जानते हैं तू बेवकूफ है, बेईमान नहीं। मेरी भोली मलिका, इस यतीम लड़की की शादी के लिए
خزانہ شاہی سے 1000 اشرفیاں دے دی جائیں۔ حکم حضور ہو تو جوالا سنگھ روحی کو واپس لے جائے۔ وجہ سبب؟ جہاں پناہ، غلام پرچھے کے بھرپور وار کو اپنی بوڑھی چھاتی پر سہن کر سکتا ہے مگر نہیں دیکھ سکتا روحی کو پریشان حالت میں۔ وہ تنہائی اور سکون میں پلی ہوئی محل کی چہل پہل اور ہنگاموں سے گھبرا گئی ہے۔ تمہاری یہ درخواست منظور نہیں فرمائی جا سکتی جوالا سنگھ۔ روحی ماں بدولت کے پاس 1 سال کے لیے سہیل کی امانت۔ حضور سلطان ایک دیوان شاعر کا اعتبار فرما رہے ہیں مگر اب ماں بدولت کو اپنے قول کے مطابق سہیل کا انتظار کرنا ہی ہوگا۔ زندہ باد بندگان عالی، پائند باد بارگاہ عظمت پناہی، ایران کا مشہور کاریگر امیر علی عیسیٰ بن مردان شیرازی شاہی عمارت بنانے کے لیے در دولت پر حاضر ہے۔ پیش ہو۔ یہ بارگاہ خداوند نعمت ہے، احترام احترام احترام۔ اے شیرازی، ماں بدولت اپنی غریب رعایا کے لیے روزگار مہیا کرنے کی خاطر ہندوستان میں چند ایسی عالی شان عمارتیں تعمیر کرانا چاہتے ہیں جو مغل سلطنت کی غیر فانی یادگار بن جائیں، مگر یہ عظیم الشان کام سپرد کرنے سے پہلے ماں بدولت تمہارے بہترین کاریگر ہونے کا ثبوت چاہتے ہیں۔ ذل سبحانی، غلام کا دعویٰ ہے کہ اس کی آنکھ اتنی تیز، اس کا تخیل اتنا زبردست اور اس کا قیافہ اس قدر صحیح اور درست ہے کہ وہ اپنے فن کا ایک عجیب و غریب ثبوت پیش کر سکتا ہے۔ اگر کسی اجنبی انسان یا اندیکھی ہستی کا صرف ہاتھ دیکھنے کا موقع عطا فرمایا جائے۔ اس کی وجہ؟ صرف اس لیے کہ غلام ذل سبحانی کو یقین دلا سکے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا کاریگر ہے، اور یہ دعویٰ ہے کہ میرے کمال کو دیکھ کر سلطان عالم، ملکہ معظمہ اور دربار عالی کا ہر فرد میں وہ حیرت رہ جائے گا۔ ہم تمہارے کمال کا ثبوت ضرور دیکھنا چاہتے ہیں مگر ہاتھ دیکھنے کا سبب ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ غلام ہاتھ دیکھنے کا سبب تو بیان کر سکتا ہے لیکن جہاں پناہ کی دلچسپی اور اشتیاق ختم ہو جائے گا۔ اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو غلام کو اس وقت خاموش رہنے کی اجازت عطا فرمائی جائے۔ بہتر، ہم تمہیں مجبور نہ کریں گے اور اس معاملے پر غور فرمائیں گے۔ شکریہ بندگان عالی۔ شیرازی کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے کمال کا بہترین ثبوت پیش کر سکتا ہے اگر ہم اسے کسی اجنبی انسان کے ہاتھ دیکھنے اور پسند کرنے کا موقع عطا فرمائیں۔ ہم اس کی آزمائش لینا چاہتے ہیں ممتاز۔ آزمائش یوں لی جائے کہ ایک ہی وضع قطع کے بہت سے کنگن شیرازی کے سامنے رکھ دیے جائیں جن میں صرف ایک کنگن پر شاہی نشان پوشیدہ طور پر کھدا ہوا ہو، پھر خادمائیں پردے کے پیچھے سے باری باری اپنے اپنے ہاتھ باہر نکالیں۔ شیرازی کو جس خادمہ کا ہاتھ پسند آئے اس میں وہ خاص نشان والا کنگن پہنا دے اور باقی کنگن دوسرے ہاتھوں میں۔ اس طرح کسی کو بھی معلوم نہ ہوگا کہ خاص نشان والا کنگن کس کے ہاتھ میں ہے۔ تجویز نہایت معقول ہے ممتاز زمانی، ہم ایسا ہی کریں گے۔ شیرازی، تم این جانب کو کسی الجھن میں نہ ڈال دو، اس لیے ماں بدولت نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ تمہیں صرف ایک ہاتھ دکھانے کی بجائے بہت سے ہاتھ دکھائے جائیں اور تم ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ بہت بہتر سلطان عالم۔ اور تمہارے قیافے کو پرکھنے کے لیے ہم نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ تم جس ہاتھ کو پسند کرو اس میں یہ نشان والا خاص کنگن پہنا دو اور باقی کنگن دوسرے ہاتھوں میں، تاکہ تمہارے امتحان کے بعد ہم یہ دیکھ سکیں کہ نشان والا کنگن کس ہاتھ میں ہے اور اس سے تمہارے دعوے کو کیا تعلق ہے۔ غلام اس کے لیے بھی تیار ہے ذل سبحانی، لیکن ایک گزارش ہے۔ بیان کرو۔ اگر غلام اپنے فن کا کمال پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ازراہ کرم بعد امتحان انتخاب شدہ ہاتھ غلامی کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ بہتر، تمہاری یہ درخواست این جانب کو منظور ہے۔ اگر تم اس امتحان میں پورے اترے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے تمہارے نکاح میں دے دیں گے، کنگن پہنائے جائیں۔ ہاں
आकर शिराजी रूही का हाथ इंतखाब कर ले तो यह खतरा महल से बहुत जल्द दूर हो सकता है। शिराजी हिंदुस्तान की दोषीदा लड़कियों की किस्मत का हाल बताने आया है। खुश नसीब लड़कियों के हाथ में वो कंगन डाल देता है। चल आप तो भी किस्मत आजमाई कर, वो एक बेमिसाल इंसान है। पहनाए जा चुके आली जान। बेहतर, इन जानिब तुम्हारा इंतजार करेंगे। शुक्रिया। बंदी को जासिदा कहते हैं। मैं महल की एक खास कनीज हूँ। यहाँ आने का सबब? आपने जो अजीम शान बीड़ा उठाया है, मैं उसकी मुबारकबाद देने आई हूँ। खुदा आपको कामयाब करे, इसे कबूल फरमाए। शुक्रिया। शुक्रिया। बना ले।
कर उलझना, उलझ कर निकलना है इंसान की अजमत, तो कांटों में चलना, निकल कर उलझना, उलझ कर निकलना है इंसान की अजमत, तो कांटों में चलना। ये क्या है जो गुल से भी दामन बचा ले, उठा ले मोहब्बत की तोहमत, उठा ले मोहब्बत की तोहमत, उठा ले जमाने के दामन को रंगी बना ले। गाओ जा फिजा, गाए जाओ।
दर्दनाक आवाज थी ये, आधी रात गए कौन गा रहा था? कोई चोट खाया हुआ दिल मालूम होता है, जिसे नींद नहीं आती। किला मुल्ला के सामने खुले मैदान में माँ बदौलत मुलाहिजा फरमाएंगे। बसरो चश्म आली जा, इजाजत हो तो चलते चलते गुलाम अपनी जन्नत की तारीफ पे चंद अशार भी अर्ज करें। इजाजत। कर लीजिए चल कर मेरी जन्नत के नजारे, जन्नत ये बनाई है मोहब्बत के सहारे। फूलों से लिया रंग, सितारों से उजाला, हर चीज को एक नूर के सांचे में है ढाला। इस ख्वाब की बस्ती का फलक है न जमी है, इस हुस्न की दुनिया की हर एक चीज हसीन है। रोशन है फिजा और नहीं चांद सितारे, जन्नत ये बनाई है मोहब्बत के सहारे। गाती है खुशी नगमे तो हंसता है वहाँ गम, कलियों की हंसी देख के रोती नहीं शबनम। फितरत की जबां पर कहीं मस्ती का फसाना, छेड़ा है खामोशी ने भी पुर कैफ तराना। कुछ सोए तो कुछ जागे हुए मस्त नजारे, जन्नत ये बनाई है मोहब्बत के सहारे। अटकेलियां करती हुई चलती है हवाएं, नगमों की है बरसात तो जुल्फों की घटाएं। रंगीन हुई और भी जन्नत की कहानी वो देखिए, वो देखिए झूले पे रूही की जवानी। बेताब किए देते हैं मासूम इशारे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियल अज़ीम। गुलाम से कुछ गुस्ताखी हुई? बेशक, तुमने माँ बदौलत की अक्ल और दिमाग पर अपने अशार की शोबदाबाजी से जादू कर दिया और हमारी निगाहों को धोखे में डाल दिया। इन जानिब की मुराद किसी ख्याली जन्नत से न थी, बल्कि आसूदगी और खुशहाली से भरा हुआ वो घर मकसूद था जिसमें रूही सुख और चैन की जिंदगी बसर कर सके। गुस्ताखी माफ हो जहां पना, हुजूर ने वादा फरमाते वक्त जन्नत की तशरीह नहीं फरमाई थी। सच है, हम कायल हो गए सुहेल। अब जमाना तस्लीम करे या ना करे, मगर हमें एतराफ है कि हमने तुम्हारी ख्याली जन्नत में भी रूही को खुशहाल देखा। बस मुनासिब इंतजाम के बाद रूही तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। शुक्रिया बंदगाने आली। आज शिराजी अपने फन का बेहतरीन कमाल, बेहतरीन सबूत, बेहतरीन नमूना बारगाह खुदावंदी में पेश करने के लिए हाजिर हुआ है और यकीन से कहता है कि यह दुनिया के अजायबात में शुमार होगा। हमें मसर्रत हुई, अगर वाकई तुम अपने दावे की कसौटी पर पूरे उतरे तो साहिब करां का वादा तुम्हें बामुराद करेगा, सबूत पेश किया जाए। जिल्ले सुभानी, किसी खास मसलियत के बिना पर गुलाम ने सबूत मलका मौजूमा के हुजूर में भिजवा दिया है। माशाल्लाह, ऐ शिराजी तुम बहुत दूर अंदेश हो।
بانو ہند کو تمہارے فن کا کمال دیکھنے کا اشتیاق ماں بدولت سے بھی زیادہ تھا ٹھہرو کہ ہم بھی ملاحظہ فرما کر آئیں اور تمہارے نکاح میں آنے والی خاتون کو بھی اپنی دعاؤں سے سرفراز فرمائیں نقاب اٹھائی جائے یہ سراسر فریب ہے دھوکہ ہے بے ادبی ہے گستاخی ہے جرم ہے گناہ عظیم ہے شیرازی جواب دو کہ تم نے روحی کا مجسمہ کس ارادے سے بنایا جواب دو کہ تمہیں مذہب کے خلاف مجسمہ تراشنے کی جرت کیسے ہوئی جواب دو کہ تم نے ہمیں دھوکے میں کیوں رکھا کیا تم نہیں جانتے کہ ماں بدولت شرع کے خلاف کسی فعل کو برداشت نہیں کر سکتے تم انعام کے نہیں سزا کے مستحق ہو گستاخی معاف ہو جہاں پناہ غلام اپنی کاریگری کا ثبوت اس سے بہتر شکل میں پیش نہیں کر سکتا تھا مجسمہ صرف اس خیال سے بنایا گیا تھا کہ حضور سلطان پر روشن ہو جائے کہ شیرازی دنیا کا عجیب غریب کاریگر ہے جو کسی اندھے کی ہستی کو صرف ہاتھ دیکھ کر اپنے تخیل کی بلندی سے ہو بہو سر سے پاؤں تک اس طرح پتھر میں تراش سکتا ہے کہ اصل و نقل میں تمیز کرنا دشوار ہو جائے خاموش رہو اگر تم کسی دوسرے ملک کے باشندے نہ ہوتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ ہندوستان کے شہنشاہ کا عطاب کس قدر خوفناک ہے تاجدار ہند سے غلام اپنی پہلی اور آخری غلطی پر رحم کی درخواست کرتا ہے تم شاہی مہمان ہو اور ہندوستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہاں آج تک کسی مہمان کا خون نہیں بہایا گیا ماں بدولت مغل سلطنت کے وقار کو تمہارے خون سے داغدار نہ کریں گے اس لیے تمہارے جرم کو معاف فرماتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ ہونے پائے شکریہ بندگان عالی غلام سر نیاز ہم کرتا ہے ہم تمہارے بے پناہ کاریگر ہونے کا اعتراف ضرور کرتے ہیں مگر مجسمہ فوراً برباد کر دیا جائے اے دل بے قرار جھوم 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 ابر بہار آ گیا دور خزاں چلا گیا عشق مراد پا گیا اس کی مچ رہی ہے دھوم اے دل بے قرار جھوم اے دل بے قرار جھوم چھٹکی ہوئی چاندنی مستی میں ہے کلی کلی جھوم رہی ہے زندگی تو بھی ہزار بار جھوم ہے دل بے قرار جھوم تارے ہیں ماں خطاب ہے حسن ہے اور شباب ہے زندگی کامیاب ہے آرزوں کا ہے ہجوم اے دل بے قرار جھوم اے دل بے قرار جھوم تیرا نشہ تیرا خمار اب ہے بہار پی بہار پی کے خوشی میں بار بار پیرے مغا کے ہاتھ چوم اے دل بے قرار جھوم
दिल बेकरार जो दिल बेकरार जो। रूही हमें बताओ कि ये कंगन तुम्हारी कलाई में कैसे आया और कौन कौन इस साजिश में शरीक है। मलिका यालिया मैं कुछ नहीं जानती, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। इस कंगन ने तुम्हारी कलाई में आकर हजूर साहब का आंख को चक्कर में डाल दिया। अब खुदाए हजूर के दोनों वादों की लाज रखी। जो कुछ हुआ है वो एक जलजले से कम नहीं। कौन है वो गुस्ताख जिसने हमारी अजमत और जलाल से मजाक किया है? रहम सुल्तानी आलम रहम। तुम डर गई हो, जाओ अपने महल में आराम करो। बात वाकई बिगड़ चुकी है। अब किसी एक के हक में फैसला कर देने से पहले ये लाजिम है कि रूही की तबीयत का रुझान भी देख लिया जाए। अलबत्ता हम ना इंसाफ ना कहलाएंगे। बानो हमारी मदद करो। बस सर चश्म ये कमी तेरे हुजूर में मुजरा अर्ज करती है और तुझे मुबारकबाद देती है कि तेरे हसीन ख्वाब की ताबीर पूरी होने का वक्त आ गया। किस कदर खुशगवार होगी वो घड़ी जब ये मरमरीन बाहें शिराजी की गर्दन में हमायल होंगी और ये अम्बरीन जुल्फें उसके शानों पर लहराएंगी। ऐ काश तूने हुजूर सुल्तान को अपनी तबीयत के रुझान का हाल भी बता दिया होता तो ये फुर्कत की घड़ियां ज्यादा लंबी न होती। वो तेरे दिल का हाल जानना चाहते थे और तू खामोश थी, भला क्यों? मलका आलम ने कनीस को याद फरमाया है। ओ गुस्ताख कनीस, हम जान गए तेरी अय्यारियां, पहचान गए तेरी मकारियां। वो तू ही है जिसने रूही को कंगन पहनने पर उकसाया, वो तू ही है जिसने ये नया फितना जगाया, वो तू ही है जिसने शहंशाह मौजूम पर शुभा किया, वो तू ही है जिसने हमें नई मुसीबत में मुब्तला किया। बता कि तुझे क्या सजा दी जाए। रहम मलका आलम, खुदा गवाह है मुझे साफ करा की जात से अदावत न थी। मैं रूही के हुस्न से डर गई थी। मैं उस सांस लेते हुए खतरे को महल से बाहर निकालना चाहती थी। नहीं जानती थी कि जो कांटा मेरी आंखों में खटक रहा है वो हुजूर सुल्तान और मलका आलिया के दामन में उलझ जाएगा। तेरी वफादारी ने हमें सख्त अजाब में डाल दिया। जब तू जानती थी रूही सुहेल की अमानत है फिर ये जुरत कैसी? मैं चली जा, दूर हो जा हमारी नजरों से। तखलिया आज ताजदारी हिंद का रुतबा और वकार खतरे में पड़ गया है। मुझे उम्मीद है कि सुल्तान मुअज्जम अब कोई कदम ऐसा ना उठाएंगे जिससे रूही का बागी दिल हजूर के असूल से टकरा जाए। मतलब? अभी हजूर ने फरमाया था कि रूही सुहेल की अमानत है। बेशक वो उसी की अमानत है, हम सुहेल से वादा कर चुके। तो फिर आली कदर ये वादा फौरन वापस ले लीजिए, ये मेरी इल्तजा है। वजह? वो नादान लड़की इश्क की उस मंजिल तक पहुंच चुकी है जहाँ से वापसी की उम्मीद नहीं। यानी वो शिराजी पर जानो दिल से फिदा है। ताज्जुब हैरत, कदम कदम पर हमारे लिए फांसी गड़ गई है। अब रब्बुल इज्जत ही हमारी लाज रखे। एक सूरत है। वो क्या? सुहेल को बड़ी से बड़ी कीमत देकर भी अपना वादा खरीद लिया जाए। नामुमकिन, कतई नामुमकिन। तुम नहीं जानती मुमताज, शायर की फितरत में बगावत होती है। हजूर को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सब इंतजाम कर लूंगी। मुमताज बाज रहो मुमताज, ये हमारे रुतबे और वकार के खिलाफ। रूही भाग, खुदा के लिए जल्दी भाग, सुहेल आंधी और तूफान बनकर तेरे सुख महल में आग लगाने आ रहा है। बादशाह हैरान है, मलका शजदर है, तू शिराजी की हसीन दुनिया से छीनकर जहन्नुम में डाल दी जाएगी। भाग चल भाग चल, वो दरिंदा दांतों में जहर लिए तुझे डसने आ रहा है। वक्त बर्बाद न कर मेरे गुलबदन, तेरी नाजुक कलाइयों में उस खतरे को रोकने की ताकत नहीं। उठ जल्दी उठ। शरबत शिराजी, खुदा के लिए मदद करो शिराजी। एक मजबूर दोशीदा को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए कुदरत ने तुम्हें रहमत का फरिश्ता बनाया है।
चीन, अरब, मिस्र, कातार, ईरानी से जहाँ चाहो ले जाओ। हिंदुस्तान की जमीन अब तुम दोनों के लिए सौतेली माँ की गोद बन गई है, जहाँ तुम्हारा रकीब, तुम्हारा हासिद, तुम्हारा दुश्मन सुहेल परवरिश पा रहा है। मोहद्दिस खातून, हम जानते हैं कि हम जायज तौर पर तुम्हारे हकदार हैं, मगर हमारी शराफत हमें इजाजत नहीं देती कि हुजूर सुल्तान मौजम के एतबार को धोखा दें। खुदा तुम्हारा मददगार हो, वापस लौट जाओ। खुदारा इसे महल में वापस न भेजो, वहाँ सुहेल की परछाइयाँ इसके ताक में छुपी बैठी हैं। सुहेल इसका बाल भी बीका नहीं कर सकता। हमें यकीन है कि चाहे रो जमीन का हर फर्द सुहेल बनकर मुकाबले में उतर आए, कामयाबी हमें ही होगी। तशरीफ ले जाइए। ओहदा, दौलत, खिताब, यहाँ तक कि मुगल सल्तनत का जर्रीन तख्त और ताज भी तुम पर निछावर किया जा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम रूही से दस्तबरदार हो जाओ। वजह? वो तुमसे नफरत करती है। मैं उसे मोहब्बत करना सिखा सकता हूँ। कसम है मुझे अपने अजीम शान इफलास की, मेरी जबान में बला की ताकत है और मेरे कलाम का जोश आसमानों को जुम्बिश दे सकता है। वो बेहद जिद्दी लड़की है सुहेल, तेरी एक न चलेगी। मेरे बुजुर्ग, आप हिमालय को अपनी जगह से हिला सकते हैं, मगर सुहेल का इरादा नहीं बदल सकते। मैं रूही से ज्यादा जिद्दी हूं, हक मांगता हूं, इंसाफ मांगता हूं, मुगल सल्तनत के सबसे जलीलुल कदर सुल्तान का वादा मांगता हूं। मगर तू रूही को कायल ना कर सकेगा। क्यों ना कर सकूंगा? जो सुहेल साहेब करान जैसी अजीम शान हस्ती को जन्नत की सैर करा सकता है, वो एक अल्हड़ और नादान लड़की को अपना हम ख्याल भी बना सकता है। मेरा वक्त बर्बाद ना कीजिए। सुहेल बगावत पर आमादा है, रूही शिराजी की तरफ खींची हुई है और हजूर सुल्तान अपने वादों की लपेट में जकड़े बैठे हैं। किसी एक के हक में फैसला फरमा दीजिए। किसके हक में फैसला फरमाएं? ये सोचने के लिए हमें खिज्र की उम्र अता हो तो भी कम है। फैसला शिराजी के हक में ना हुआ तो रूही ना मुराद कहलाएगी। अलमान अलहफीज, ये इनकलाब, ये गर्दिश जमाना, वो मुमताज जिसे हम जिंदगी की रमक, आंखों की जन्नत और दिल का चैन समझे थे, आज हमारे बंधे हुए उसूल से टकराना चाहती है। मैंने तो अपना ख्याल जाहिर किया है। हमें अपने कौल, अपने वादे और अपनी जबान का लिहाज। तो फिर क्या होगा? हम तुम्हारी मोहब्बत से मजबूर होकर कोई गलत फैसला न कर बैठे और तुम्हारे मशवरे हमारे अदलो इंसाफ से टकरा ना जाए, इसलिए बेहतर होगा कि हम तुम्हारी निगाहों से दूर हो जाए। कोई खतरनाक इरादा मुमताज को भी तबाह कर डालेगा मेरे सरताज। शायद कुदरत को यही मंजूर है। अब मुमताज और शाहजहां की मशहूर मोहब्बत के इम्तिहान का वक्त आ गया। परवरदिगार हमें सुरखरू करे। बानो, हम किसी की हक तलफी करने से पहले आज खुद अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देंगे। कुर्बानी? हाँ, और उस वक्त तक तुमसे जुदा रहेंगे जब तक कुदरत इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी गैबी इमदाद न फरमाए। और अब हम तुमसे अलग होते हैं। मेरे सरताज, खुदा हाफिज। दो फजूल और बेमानी हस्तियां, दो सरफिरे दीवाने, सुल्तान मुअज्जम और मलिका आलिया की मशहूर मोहब्बत में खलल डाल रहे हैं, मुगल सल्तनत की बुनियादें खोखली कर रहे हैं। ये जबर, ये खामोशी, ये फाका कशी ताजदार हिंद और बानुए हिंद की जिंदगियां खतरे में डाल देंगी। हुकूमत का निजाम बिगड़ जाएगा।
रियाया बगावत कर देगी, मुल्क में बदमनी फैल जाएगी, कुछ तो खून का बाजार गर्म हो जाएगा। चुप साध ली है, तनहाई अख्तियार कर ली है, उन्हें समझाया जाए, उन्हें मनाया जाए। क़िबला आलम, ज़िल्ले सुभानी, सुल्तान मुअज़्ज़म, आलम फना, हजूर साहिब करा, प्रजापति, अंदाता, आला हजरत, तखलिया। सुल्तान मुअज़्ज़म की वफादार रियाया, अपने नेक दिल ईमानदार और इंसाफ पसंद बादशाह के हुजूर में ये अर्ज करती है कि वो तन्हाई और खामोशी तोड़कर बानोए हिंद के सुहाग को सलामत रखे। ये इल्तिजा है, ये फरियाद है, ये प्रार्थना है। मलिकाए मुअज़्ज़मा की खिदमत में उनकी बदनसीब रियाया ये इल्तिजा लेकर आई है कि वो तन्हाई और खामोशी तोड़कर हुजूर साहिब खान की लरसती हुई जिंदगी को सहारा दे, वरना हिंदुस्तान यतीम हो जाएगा। ये इल्तिजा है, ये फरियाद है, ये प्रार्थना है। मुमताज मेरी लाडली, ये जब्र, ये खामोशी, ये फाका कशी तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डाल देगी। खुदारा उस मासूम बच्चे का ही ख्याल करो जो तुम्हारी गोद को आबाद करने वाला है। तखलिया, बानोए हिंद की गोद आबाद होने का वक्त बिल्कुल करीब है। रियाया का बच्चा बच्चा उनकी सलामती की दुआ मांग रहा है। अब तन्हाई और खामोशी को तोड़ दीजिए क़िबला आलम। तखलिया, तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर ऐ रूही, सुल्तान मुअज़्ज़म और मलका आलिया की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। वो तुम्हारी सुख और शांति के लिए अपनी मशहूर मोहब्बत की कुर्बानी दे रहे हैं। कसूर तुम्हारा समझा जाता है, इल्जाम तुम पर धरा जाता है। लाडली, अगर तू तारीख के किसी दर्दनाक वाकये का सबब बन गई तो राजपूतियां दो कौड़ी की हो जाएगी। दुनिया कहेगी ज्वाला सिंह ने एक फितना लाकर महल में छोड़ दिया था। बचा ले तो अपने बूढ़े बाप की आन, बादशाह और मलिका की जान और तख्त ताऊस की शान। अब्बा हुजूर, हुजूर अब्बा, ये आप क्या फरमा रहे हैं? सुल्तान मुअज़्ज़म का वादा तेरे तलबगारों के पास गिरवी पड़ा है। शाही खजाने की दौलत फजूल समझी गई है, फौजी ताकत बेकार हो गई है, अराकीन सल्तनत के दिमाग खोखले हो गए हैं। ये गुत्थी न सुलझी है न सुलझेगी, और अगर सुलझेगी तो सिर्फ तेरे हाथों से सुलझेगी। इंतखाब कर ले, चुन ले, पसंद कर ले दोनों हकदारों में से किसी एक को, और दूसरे से इनकार कर दे साफ साफ। मुझे यकीन है कि सुहेल और शिराजी तेरी मर्जी के आगे सर ना उठा सकेंगे। बोल, बता, तू किसे चाहती है, किसे पसंद करती है? एक गैरतमंद बाप की गैरतमंद बेटी किसी गैरतमंद ही को पसंद कर सकती है, और उन दोनों में से कौन ज्यादा गैरतमंद है ये हुजूर अब्बा अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या हम यकीन कर लें कि तू सुहेल से नफरत करती है? शराफत का डाकू राजपूतियान पर सैकड़ों चरके लगा चुकने के बाद भी मुझे अपना हमदर्द समझता है। मुझ ना चीज की खातिर जो कुछ आपने किया तारीख उसकी गवाह रहेगी। मैं उससे नफरत करती थी, नफरत करती हूँ और नफरत करती रहूंगी उम्र भर, ये मेरा फैसला है। तो चल मेरी बच्ची,
आज इस किस्से का खात्मा कर दे, चाक कर डाल उसकी मोहब्बत की कविता को अपने हाथों से, जिसने तेरी जिंदगी में एक तूफान बपा कर रखा है। रूही, आसमानी हूर तू यहां, बारे लाहा ये ख्वाब है या आलम बिदारी? मैं तुमसे एक सवाल करने आई हूँ। मैं बगैर सुने जवाब ये देता हूँ कि मैं तुम्हें खुदाए हुस्न समझता हूँ और बस। रूह में तू, दिल में तू, आंखों में तू, सांसों में तू, सुबह के अंगड़ाइयां लेते हुए जलवों में तू। ऐ मोहब्बत के मतवाले, अगर तू आशिक हकीकी है तो ये बता कि किसी शरीफ खातून के दो शौहर भी हुए हैं आज तक? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मेरा ध्यान भी छोड़ दे सुहेल, मैं किसी और की अमानत हूँ। गलत, बिल्कुल गलत। सुहेल ने तुझे हासिल करने के लिए जन्नत बनाई थी और मुगल सल्तनत के वारिस ने खुश होकर तुझे मेरे हवाले कर देने का वादा किया था। तो फिर खंजर निकाल और मेरे दो टुकड़े कर डाल ताकि सुल्तान के दोनों वादे पूरे हो जाएं। इंसाफ सिर्फ मेरे हक में होने वाला है, मुझे यकीन है। जब इंसाफ करने वाला ही ना रहा तो कौन इंसाफ करेगा? तेरी जितने दो फरिश्तों की मोहब्बत में फौलाद की दीवार खड़ी कर दी है और अब वो दोनों अलग अलग तड़प रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं। मुझे उनसे हमदर्दी है। याद रख, अगर सुल्तान आलम या मलिका आलिया को आंच भी आ गई तो तेरी रूही अपने खानदान की पेशानी पे बदनुमा दाग बन जाएगी। दुनिया मेरे मुंह पर थूकेगी, लानत भेजेगी ऐसी कि तेरी रूही का नूरानी हुस्न नासूर की पीप बनकर पीला पड़ जाएगा। कीड़े दौड़ते दिखाई देंगे तेरी रूही की नस्लत में और ये जिस्म। बस कर रूही, बस कर। तेरा परस्तार, तेरा शहदाई तेरी ये हालत न देख सकेगा। मैं तुझसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। तू मुझसे मोहब्बत कर, मैं नहीं रोकती, मगर ऐसी मोहब्बत जैसे चकोर चांद से, बुलबुल फूल से, भंवरे की तरह रस चूस कर तुझे राहत न मिलेगी। रूही, वो रूही जिसे तू आसमानी हूर समझता है आज तेरी लौंडी बनकर भीख मांगती है। खुदा रा खात्मा कर डाल अपने हसीन ख्यालों का, खात्मा कर डाल अपनी दिल फरेब आरज़ुओं का, खात्मा कर डाल अपनी सुनहरी उम्मीदों का और बानो हिंद और ताईदार हिंद की जान बचा ले, वरना याद रख उनके खून का इल्जाम भी तेरी गर्दन पर होगा। रूही, मेरी अच्छी रूही, मैं तेरी खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। मैं तेरे हर हुक्म पर अपना सर झुकाता हूँ। अब ताईदार हिंद और बानो हिंद की जान बचाना मेरा फर्ज हो गया है। सुहेल, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था। उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था। एक भेदी लूट गया, एक भेदी लूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें, मालूम
ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें। अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें, अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें। हर साथी छूट गया, हर साथी छूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। 22 तहरीर आके मैं सुहेल बिन अब्बास करमानी बाहोश व हवास खमसा सुल्तान मौज़्ज़म हुजूर साहेब परां की इनायत करदा खातून रूही से हमेशा हमेशा के लिए दस्तबरदार होता हूँ और इकरार करता हूँ कि अब खातून रूही पर मेरा किसी किस्म का कोई हक नहीं रहा, लिहाजा ये इकरारनामा लिख देता हूँ ताकि सनद रहे। दस्तखत सुहेल बिन अब्बास करमानी बकलम खुद। सुहेल, माँ बदौलत ये जानना जरूरी समझते हैं कि तुमने ये इकरारनामा किसी जबर, असर, दबाव या खौफ से तो नहीं लिखा। सुल्तान आलम, गुलाम ने अपनी मर्जी से ये फैसला किया है। तुमने माँ बदौलत पर एहसान किया है, कुछ मुआवजा तलब करो। गुलाम किसी किस्म का मुआवजा नहीं चाहता। मरहबा, आफरीन, माँ बदौलत तुम्हारी शानदार कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। मुबारक हो मलका आलिया, मुबारक हो। जो गुत्थी उलझी हुई थी वो खुदा के फजल से सुलझ गई है। सुहेल ने अपना दावा वापस ले लिया है, वो दस्तबरदार हो गया है और अब हजूर सुल्तान मौजूम आपके दीदार के लिए आ रहे हैं। मुमताज जमानी, मुमताज मेरे सरताज। मुमताज, मुमताज, हकीम साहब को बुलाओ, हकीम साहब को बुलाओ। मुमताज, आंखें खोलो मुमताज, होश में आओ मुमताज, हकीम साहब अभी आया ही चाहते हैं। किसी हकीम या तबीब की जरूरत नहीं मेरे सरताज, हम जान गए हमारा आखिरी वक्त। मुमताज, मुमताज जाने मुमताज, अब हमें इजाजत दीजिए। वो देखिए जन्नत में नगमा सराइयां शुरू हो गई, फरिश्तों ने अपने सर झुका लिए, पूरे हमारे इस्तकबाल में खड़ी हो गई। हमें अकेला ही छोड़ जाओगी? मैं वहां भी आपका इंतजार करूंगी। खुश नसीब हूँ कि आखिरी वक्त पर आपके दीदार हो गए। एक इल्तिजा है। वो क्या? हुक्म दो, फरमाओ। मेरी मलिका, मेरी तमन्ना, मेरी मुमताज। मुमताज की आखिरी आराम का भी उतनी ही शानदार हो जितने की उसे जिंदगी में नसीब हो। मेरा मजार हमारी मशहूर मोहब्बत का आईना, एक ऐसी यादगार हो दुनिया में जिसकी मिसाल रुए जमीन पर न मिले। तुम्हारी वसीयत शाहजहान पर कर्ज है मुमताज, इंशाअल्लाह मरने से पहले ही मैं इसे अदा कर दूंगा। शुक्रिया, और अब दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमारे गम में सबर अता फरमाए। अलविदा मेरे सरताज, चलिए।
बर्बाद करेगी हमें मालूम न था चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम न था रोते रोते ही कटेगी हमें मालूम न था रोते रोते ही कटेगी हमें मालूम न था मौत भी हम पे हंसेगी हमें मालूम न था जिंदगी रोग बनेगी हमें मालूम न था जिंदगी रोग बनेगी हमें मालूम न था चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम न था छाई घन घोर घटा चांद सितारे न रहे वो उम्मीद न रही अब वो सहारे न रहे वैर तो वैर ही थे वो भी हमारे न रहे हम पे ऐसी भी पड़ेगी हमें मालूम न था हम पे ऐसी भी पड़ेगी हमें मालूम न था चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम न था मलका मुअज्जमा की बेवक्त मौत ने हुजूर सुल्तान की खुशगवार जिंदगी का खात्मा कर दिया है हरम सरा में उदासी छा गई है रूही का मुहाफिज रंजो गम की तस्वीर बना बैठा है मेरी मंशा है कि अब चंद दिनों के लिए रूही को वापस बुलवा लिया जाए शिराजी की अमानत पर हमारा अब क्या हक रह गया है हुजूर सुल्तान इजाजत नहीं देंगे आखिर हमने भी तो उसे पाला है मेरा ख्याल है मासूम बच्ची की दिलजोई के लिए इजाजत मिल जाएगी तो फिर जरूर कोशिश कीजिए ज्वाला सिंह हमारी दुनिया लुट गई मुगल सल्तनत का ताजदार सरनगूं हो गया अब शाहजहां सिर्फ मुमताज की आखिरी वसीयत पूरी करने के लिए जी रहा है खुदा करे एक ऐसा रोजा तामीर हो जाए जो मरहूमा की याद दिलाने के लिए दुनियाए मोहब्बत में कयामत तक जगमगाता रहे मगर क्या शिराजी मलिका मरहूमा की यह आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकेगा सुल्तान मुअज्जम शिराजी एक माहिर फन इंसान है वो हुजूर की तमन्ना जरूर पूरी करेगा आलम पना शिराजी रौजा ताज का नमूना बनाकर दर दौलत पर हाजिर हुआ है हाजिर हो आज शिराजी अपने फन का शाहकार जिल्ले सुभानी के हुजूर में पेश करता है और दावे के साथ कहता है कि यह दुनिया के अजायबात में शुमार होगा इसमें शक नहीं कि यह बेहद खूबसूरत है
مگر مرحومہ کی شان کے شایاں نہیں شیرازی پھر کوشش کرو بہت بہتر میرے سرتاج ممتاز کی آخری آرامگاہ بھی اتنی ہی شاندار ہو جتنی کہ اسے زندگی میں نصیب ہوئی میرا مزار ہماری مشہور محبت کا آئینہ ہو ایک ایسی یادگار ہو دنیا میں جس کی مثال روئے زمین پر نہ ملے ممتاز شاہجہان تمہاری وصیت کا قرضدار ہے اور انشاءاللہ مرنے سے پہلے ہی یہ قرضہ ادا کر دیا جائے گا شیرازی روضہ تاج کا دوسرا نمونہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہے پیش ہو یہ شیرازی کے فن کی انتہا ہے قبل عالم ہمیں یہ بھی پسند نہیں آیا شیرازی کچھ اور بناؤ یہ بھی وہ چیز نہیں جسے ہماری بیتاب نگاہیں تلاش کر رہی تھیں شیرازی ہم تمہیں ایک زبردست اور ماہر فن سنگ تراش سمجھتے تھے مگر ہمیں یقین ہو گیا کہ تم ہماری آرزوؤں کو پورا نہ کر سکو گے کاش آج میں بادشاہ ہونے کی بجائے ایک سنگ تراش ہوتا آج غلام صاحب قران کے دکھ بھرے دل کی گہرائیوں کو ٹٹولنے میں ناکام ہو گیا اور اس غم سے بھی ناآشنا رہا جو حضور سلطان ملکہ مرحومہ کی جدائی میں اٹھا رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی چیز شاہکار نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کی بنیاد محبت کے آنسوں پر نہ رکھی جائے مجھے یقین ہے کہ روضہ تاج کا نمونہ کوئی ناکام محبت ہی بنا سکے گا جس کا شیشہ دل محبوب کی جدائی میں حضور کی طرح چکنا چور ہو چکا ہو اسے قبول کر لو بیٹا یہ تحفہ سہیل نے بھیجا ہے کیا چیز ہے ماں دونوں جہاں کی دولت اتنا بڑا خزانہ یہ سہیل کے پاک جذبات کی دلیل ہے ماں اسے اندر بلالو ایسے فرشتے کا دیدار باعث برکت ہے بلالو فوراً بلالو ماں اندر آ جاؤ بیٹا میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں آپ نے یہ تحفہ دے کر مجھے دونوں جہاں کی بادشاہت بخش دی بیٹھئے بیٹھ جائیے روحی بیٹا روحی آئی ابا حضور آئی فرمائیے آج ہم اپنی پتری سے کچھ مانگنے آئے ہیں امید ہے مایوس نہ کرو گی خدا نہ کرے میری تو جان بھی حاضر ہے حضور ابا تیری جان ہی کی ضرورت ہے بیٹا شیرازی کو روضہ تاج کے نمونے کی بنیاد تیری لاش پر رکھنی پڑے گی تو پھر مجھے کوئی مار ڈالے فوراً مار ڈالے ملکہ معظمہ کی وصیت کے مطابق اگر روضہ نہ بنا تو حضور صاحب قرآن پر بوجھ رہے گا یقیناً بوجھ رہے گا میں شوق سے مرنے کے لیے تیار ہوں بابا تیر کمان اٹھائیے اور مجھے جلدی سے ہلاک کر دیجئے تو پھر پردے کی آڑ میں کھڑی ہو جا میری بچی تاکہ جن ہاتھوں نے تیری پرورش کی ہے تیر چلاتے سمے ڈھیلے نہ پڑ جائیں آج ہم اپنے پیارے بادشاہ اور ملکہ کی خاطر اپنے لفظ جگر کو قربان کریں گے چڑھائیے میں تیار ہوں میرا سینہ آپ کے تیر کی زد میں ہے چلائیے تیر ہوشیار مار ڈالا تم نے روحی کو مار ڈالا جوالا سنگھ راجپوتوں کی آن کا خاتمہ کر دیا صاحب قرآن کی شان کو برباد کر دیا تم نے ہمارے انصاف کا گلا گھونٹ دیا مرحومہ کی خواہش کو کچل دیا
وجہ بیان کرو کہ تمہیں پھانسی کی سزا کیوں نہ دی جائے قانون کی نگاہ میں جوالا سنگھ قاتل ہے اور اسے پھانسی کی ہی سزا ملنی چاہیے قبلہ عالم مت سمجھو کہ تم سے رعایت برتی جائے گی آنکھ کا بدلہ آنکھ اور جان کا بدلہ جان یہ ہمارے قرآن کا حکم ہے غلام ہر سزا کے لیے تیار ہے انصاف سلطان معظم کے ہاتھ میں ہے ماں بدولت پھانسی کا حکم صادر فرمانے سے پہلے یہ جاننا ضروری سمجھتے ہیں کہ تم نے روحی کا قتل کس ارادے سے کیا وہ کون سا جذبہ تھا جس نے باپ کے ہاتھ بیٹی کے خون میں رنگ دیے جذبہ وفاداری ملک اور بادشاہ سے وفاداری سلطان معظم کا غم سمجھانے کے لیے شیرازی کے دل کو ٹھیس لگانا بہت ضروری تھا دل سبحانی اور غلام نے وفاداری کے جوش میں حق نمک ادا کیا یہ وفاداری نہیں ایک قسم کی غداری ہے تم نے شیرازی کی امانت کا خاتمہ کر کے ماں بدولت کو دنیا کی نگاہوں میں حقیر کر دیا ہے آج تمہارے اس جرم کی سزا موت ہے اور صرف موت موت روحی کی موت باپ کے ہاتھوں بیٹی کا خون اوف یہ ظلم یہ ستم اس منحوس قبر کے سنانے سے پہلے تمہیں موت کیوں نہ آئی تم لوگ میں اجل کیوں نہ بن گئے اے کاش اے کاش قضا کا تیر میرے سینے میں بھی اتر جائے موت آ جائے مجھے بھی اے در چشم زدن صحبت یار آخر شد روئے گل سیر نہ دیدے مو بہار آخر شد آج شیرازی کے پر نوش ڈالے کسی نے لٹ گئی زندگی یا غریب الوطن کی سلطان معظم سلطان معظم آج میں نے حضور کا غم پا لیا آج میں نے صاحب کہاں کے درد کو محسوس کر لیا آج میں نے شہنشاہ کے شکست دل کی آواز سن لی بن گیا وہ شاہکار جسے تاجدار ہند کی بےتاب نگاہیں تلاش کر رہی تھی یہی ہے ممتاز زمانے کی سنگ مرمر سے بنائے جانے والی آخری آرام کا یہی ہے وہ حسین شاہکار جسے ہماری بےتاب نگاہیں تلاش کر رہی تھیں یہی ہے وہ حسین خواب جو شاہجہاں نے مرحومہ ممتاز کی یاد میں دیکھا تھا بلاؤ اس کے خالق کو بلاؤ اس عجیب و غریب انسان کو بلاؤ جس کا تصور ہمارے تصور سے ٹکرا گیا جس کے مبارک ہاتھوں نے اس حسین یادگار کو تراشا قبلہ عالم اس کا کاریگر اس کا خالق سرزمین ہند کو چھوڑ کر چلا گیا ہے چلا گیا ہمارے ملک سے چلا گیا بغیر ملاقات کے چلا گیا بغیر انعام و اکرام کے چلا گیا یہ نہیں ہو سکتا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا روک لو اسے فوراً روک لو ممتاز یہ روضہ سنگ مرمر کی زبان میں ہماری مشہور محبت کی داستان ہمیشہ ہمیشہ دنیا والوں کو سناتا رہے گا تمہاری یاد میں شاہجہاں کی آنکھ سے ٹپکا ہوا یہ وہ آنسو ہے بانو جو دنیا کے رخسار پر قیامت تک جگمگاتا رہے گا ایک فریادی در دولت پر حاضر ہے پیش ہو خاتون تم کون ہو اور اس وقت یہاں آنے کا سبب انداتا میں صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ ایک بدنصیب راجپوت ناری اپنے پتی کی موت کے بعد دنیا میں کس کے سہارے زندہ رہ سکتی ہے ہمارا ایمان ہے کہ عورت ہو یا مرد سہارا ٹوٹ جانے کے بعد زندہ نہیں رہتے ہم بھی اے خاتون ایک زندہ لاش پرجاپتی جب آپ کا درد بھرا دل کسی دکھیا کی وپتا پر رو سکتا ہے تو اس کی فریاد کیوں نہیں سنتے ضرور سنیں گے اور اگر ممکن ہوا تو تمہیں اپنی مظلوم بہن سمجھ کر امداد بھی کریں گے تو میرے پتی کو آزاد کر دو راجن میں بھیک مانگتی ہوں ان کے جیون کی وہ بالکل نردوش ہے تم سردار جوالا سنگھ کے بارے میں کہہ رہی ہو وہ میری مانگ کا سیندور اور جیون کا آدھار ہے انداتا ایک قاتل کہ جس نے اپنی بیٹی کا خون بغیر کسی وجہ یا سبب کے بہا دیا ہو صرف پھانسی کا مستحق ہے انہوں نے روحی کو قتل نہیں کیا راجن روحی زندہ ہے بالکل صحیح سلامت بھلی چنگی زندہ ہے تو کیا اس کی موت کے چرچے بے بنیاد ہیں بالکل بے بنیاد سراسر جھوٹے روحی حضور کو مجرا بجا لانے کے لیے میرے ساتھ آئی ہے ساتھ آئی ہے جی بیٹا روحی آؤ اپنے بادشاہ کے حضور میں سلامت کرو
बंदी आधा बजा लाती है जिले सुभानी। रूही तुम हयात हो, जिंदा हो तुम, ये क्या मौजज़ा है, ये क्या करिश्मा है, ये क्या राज। जिसे राम रखे उसे कौन चखे, हुजूर सुल्तान के वादे की लाज रख ली भगवान। तो क्या ज्वाला सिंह का तीर खाली गया? राजपूत का तीर खाली नहीं जाता अंदाता। तो फिर कौन हलाक हुआ? मेरा छठा बच्चा। क्या नाम था उस सूरमा का? सोहेल। सोहेल अंदाता, जिस तरह इस कोख से जन्म लिए हुए मेरे पांच बेटे मुंह बोली बहन को सुहागन बनाने के लिए सबके उतर गए, ठीक उसी तरह सोहेल ने भी अपनी मुंह बोली बहन को सुहागन बनाने की खातिर जान दे दी और कमान से निकले हुए तीर को ढाल बनकर अपनी छाती पर ले लिया। वो मरकर अमर हो गया है राजन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहीद हो गया है, बख्शा गया है, आजाद हो गया है। हमें जितना गम उसकी मौत का है, उतनी ही खुशी उसकी अजीम शान कुर्बानी की है। खुदावंद नेमत शिराजी दर दौलत पर हाजिर है, उसे अंदर बुलाओ, हम उसकी अमानत उसे सौंपना चाहते हैं। बेटा तुम पर्दे में चली जाओ और बहन तुम भी। एक बदनसीब मुसाफिर खिदमत अकदस में सलाम अर्ज करता है। शिराजी, वो क्या खता थी हमारी जो तुम रूठ कर चल दिए? खता मेरी थी जहां पना, न हिंदुस्तान आता, न आज अपने अरमानों की लाश बेगोर कफन देखता। माज अल्लाह, हम अपनी ठुकराई हुई जिंदगी को शिराजी का सहारा देकर मलिका मरहूमा की यादगार बनाना चाहते थे, मगर अफसोस हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी होती दिखाई नहीं देती। मुमताज के रोजे का नमूना जिन हाथों से बनाया है, उन्हें आगे बढ़ाओ के शाहजहां चूम। खुदावंद नेमत, मैं गुनाहगार हो जाऊंगा। तुमने इस बेमिसाल नमूने को बनाकर मुगल सल्तनत के बानी जन्नत मकानी जहीरुद्दीन बाबर की औलाद पर अजीम शान एहसान किया। कसम है हमें खुदाए वहद की, हमने मरहूमा की याद में यही ख्वाब देखा था और यही थी हमारी मुमताज की आखिरी वसीयत। तुमने हूबहू वही नमूना बनाया है जिसका हमें इल्हाम हुआ था। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं शिराजी, एक छोटा सा तोहफा हमारा भी कबूल करते जाओ। लो ये कंगन। कंगन? रूही की लाश से उतारा हुआ कंगन? नहीं, रूही के सुहाग का कंगन। दुल्हन का दूसरा हाथ आज तक खाली है, उसमें भी कंगन डाल दो। सुल्ताने मौज़ा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? हैरान क्यों होते हो भाई, तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप रहा हूं, अपने फर्ज से सुबकदोश हो रहा हूं। बहन दुल्हन का हाथ बाहर निकालो, दूल्हा मियां आए हैं। रूही, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र, तूने आज हमारे वादे की लाज रख ली। आखिर वो दिन आ ही गया जब मलकाए मरदूमा की वसीयत के मुताबिक बादशाह ने ताज बनाकर मुमताज की मोहब्बत का कर्ज अदा किया। ताज मोहब्बत के दामन में कोहनूर हीरे की तरह जगमगाता हुआ ताज, ताज एक शहनशाह के ख्वाब मोहब्बत की जीती जागती ताबीर। ताज मुमताज की याद में शाहजहां की आंख से टपका हुआ एक आबदार मोती, 20 साल की मुद्दत में 20 करोड़ की लागत से दुनिया का सातवां अजूबा ताज, रोजा मुमताज महल आगरे में तैयार हुआ। शिराजी ने बादशाह के लिए और भी शानदार इमारतें बनाई और अब वो अपनी रफीक़े हयात खातून रूही के साथ ईरान वापस जा रहा है। खुदा हाफिज़, वाहरी जाफिदा।